फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो व्हिच इज अबाउट फोर्स एंड प्रेशर, क्लास 8th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस चैप्टर नंबर 11। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या तुमने कभी सोचा है क्या चीज़ ऐसी है जो मेक कर, मतलब जो धीमा कर देती है ऑब्जेक्ट्स को, या उनको तेज कर देती है, या उनकी डायरेक्शन चेंज कर देती है उनके मोशन की? देन व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? तुम क्या करते हो एक फुटबॉल को मूव करने के लिए? व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? तुम चलती हुई, मतलब जो ऑलरेडी मूव कर रही हो बॉल, उसको तुम फास्टर मूव करने के लिए क्या करते हो? हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? एक गोल कीपर बॉल को कैसे स्टॉप करता है? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। एक जो हॉकी प्लेयर होता है वो चेंज करता है डायरेक्शन मूविंग बॉल की एक स्टिक की फ्लिक से। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? In all these situations, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion is changed. इन सारी सिचुएशंस में हम ये देख रहे हैं कि जो बॉल है उसको ज़्यादा तेज चलने के लिए फोर्स करा गया है, उसको स्लो करने के लिए फोर्स करा गया, और जो उसका डायरेक्शन है मोशन का वो चेंज किया गया है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। हम हमेशा कहते हैं कि जो फोर्स है उसको अप्लाई करा गया है बॉल पे जब इसको जब उसको किक करा गया, पुश करा गया, थ्रो करा गया, फ्लिक करा गया। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनमें से हर एक जो एक्शन होता है वो रिजल्ट करता है कुछ काइंड ऑफ चेंज किस स्टेट ऑफ मोशन में किसी ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स क्या है? इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। साइंस में जो पुश और पुल होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको फोर्स कहा जाता है। थस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मोशन जिसको इम्पार्ट करा गया ऑब्जेक्ट पे, वो एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से था। फोर्स इज अ पुश और अ पुल और बोथ। फोर्स जो होता है वो या तो पुश होता है या पुल होता है, या दोनों ही होता है। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स को देखा नहीं जा सकता और ना ही उसको फील करा जा सकता है, पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फोर्स के इफेक्ट्स। हम फोर्स को नहीं देख सकते बट उसके इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। पुश अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम बॉडीज। पुश वो फोर्स होता है जिसको करा जाता है मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स बॉडीज से दूर। अ पुल इज व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द बॉडी, बॉडी के पास लाने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल किन चीज़ों में होता है? वो होते हैं प्लेइंग अ गिटार, गिटार बजाते वक्त दोनों पुश और पुल होते हैं। सॉइंग वुड करते वक्त भी, स्क्रबिंग द फ्लोर में भी, और रोइंग अ बोट में भी। Let's discuss some forces which are caused due to interaction between two bodies. An interaction of one object on another object results in a force between the two objects. So interaction होता है एक object में और दूसरे object में, वो result करता है force में दो objects के बीच में। If a man stands behind a car, the car does not move. अगर कोई आदमी खड़ा हो जाता है कार के पीछे, तो जो कार है वो नहीं मूव करती। If he pushes the car, अगर वो कार को पुश करता है और उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो जो कार है वो स्टार्ट कर जाती है चलना उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो अप्लाई करा जा रहा है। If two forces act on a body in the same direction, the net force is the sum of the two forces. अगर जो दो forces होते हैं वो act करते हैं एक ही same body पे, object पे, same direction में, तो जो net force होता है वो उन दोनों का sum होता है, यानी कि उन दोनों forces को plus करके निकाला जाता है net force. Unbalanced force acting in the same direction combined by addition. Acting in the opposite direction combined by subtraction, the net force is the difference between the two objects and is exerted in the direction of the larger force.
जो अनबैलेंस फोर्सेज होते हैं वो एक्ट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में और वो कंबाइन कर जाते हैं सब्ट्रैक्शन से. जो नेट फोर्स होता है वो डिफरेंस होता है दोनों फोर्सेस का और ये एग्जर्ट करा जाता है उस डायरेक्शन में जहाँ पे जो है लार्जर फोर्स है. सपोज F1 जो है वो दे रहा है लार्जर फोर्स, तो जो बॉडी है वो F2 की साइड मूव करेगी. लेकिन अगर F2 का ज़्यादा फोर्स है F1 से, तो जो बॉडी है वो F1 की तरफ मूव करेगी क्योंकि वो उसको पुश कर रहा है. अगर वो पुल कर रहा होता है F2, तो जो बॉडी है वो F2 के पास जाती है क्योंकि जो वो फोर्स है जो वो अप्लाई कर रहा है वो ज़्यादा है. If we pull the block from both sides with the same force, the block remains stationary. अगर हम पुल करते हैं एक ब्लॉक को दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई करके, तो जो ब्लॉक है वो नहीं मूव करता. स्टेशनरी का मतलब है अपनी जगह पर रहता है. द फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट. जो फोर्सेज है वो इक्वल है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं. जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है और जिस फोर्स का जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है उसको कहा जाता है बैलेंस फोर्सेस. बैलेंस फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो नहीं चेंज करते रेस्ट या मोशन किसी ऑब्जेक्ट का. हाउएवर कैन चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाउएवर वो चेंज कर सकते हैं साइज और शेप किसी ऑब्जेक्ट की. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो वो F1 और F2 है वो सेम डायरेक्शन में है. जो इनका नेट फोर्स होएगा वो ऐड करके निकलेगा F1 और F2 को. देन नेट फोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F1 जो है वो ऊपर की साइड उसको पुश कर रहा है, पर जो F2 है वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है यानी कि उसको पुल कर रहा है. तो जो दोनों है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो यहाँ पे हम करेंगे F1 - F2. मतलब अगर F1 बड़ा होएगा तो F1 से F2 को माइनस करेंगे और अगर F2 बड़ा होएगा तो F2 में से F1 को माइनस करेंगे. देन अगर नेट अगर F2 बड़ा होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो जाएगा F2 के पास, बट अगर F1 बड़ा होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो F1 से दूर जाएगा क्योंकि F1 उसको पुश कर रहा है, पुल नहीं. लेकिन जो F2 है वो उसको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. दैट्स व्हाई नेट फोर्स में अगर F2 बड़ा होता है और जो नेट फोर्स होता है वो निकलता है, सपोज 5 निकला, तो वो F2 के पास जाएगा. नाउ यहाँ पे 3N और 4N जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. हाँ, तो जो हमारा आंसर निकलेगा नेट फोर्स का उस पर 3N + 4N निकलेगा और हमारा आंसर आएगा 7N. एंड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट, तो ये ईस्ट की साइड जा रहे हैं. दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे टुवर्ड्स ईस्ट. देन इधर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, 100N इधर से और 75N इधर से. अब जो 100N है वो बड़ा है तो हम 100N से माइनस करेंगे 75N, जिससे हमारा आंसर आएगा 25N ईस्ट की तरफ. एंड अगर यस 100N ऐसे होता एंड 75N ऐसे होता, तो ये जो 25N होता वो इस तरफ जाता, 100N के पास आता, 75N से दूर हो जाता. लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब जो फोर्स है वो एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे. फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल. बिफोर बींग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो. एक पेनल्टी किक लेने के दौरान फुटबॉल में जो प्लेयर होता है वो अप्लाई करता है फोर्स बॉल पे. इस हिट से पहले जो बॉल थी वो रेस्ट पर थी यानी कि जो उसकी स्पीड थी वो ज़ीरो थी. द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल. जो अप्लाइड फोर्स होता है वो बॉल को ऐसा कर देता है कि वो मूव करे गोल की तरफ. सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जम्प्स अप टू सेव द बॉल सेव द गोल. बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल.
सपोज जो गोलकीपर है वो डाइव करता है, जंप करता है सेव करने के लिए गोल को, उसके एक्शन से जो गोलकीपर होता है वो ट्राई करता है अप्लाई करने के लिए फोर्स उस मूविंग बॉल पे। फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। जो वो फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो स्टॉप कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है बॉल को और सेव कर सकता है गोल को कि वो स्कोर हो। इफ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो। अगर जो गोलकीपर होता है जो उसे सक्सेस मिल जाता है स्टॉप करने में बॉल को, तो जो स्पीड हो जाती है बॉल की वो जीरो हो जाती है। सम मोर एग्जांपल्स, इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनर मूव To make a winning move, sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. वॉलीबॉल की गेम में जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑफन पुश करते हैं मूविंग बॉल को अपने टीममेट्स को एक विनिंग मूव बनाने के लिए। कभी कभी जो बॉल होती है वो चली जाती है दूसरे साइड पे कोर्ट की, उसको पुश या स्मैश करते वक्त। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेस हिज और हर शूट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद अ बैट। क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है वो प्ले करता है अपना शॉट अप्लाई करके फोर्स को बॉल पे एक बैट से। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल इन दीज केसेस? हाँ होएगा। इन ऑल दीज एग्जांपल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इन सभी एग्जांपल्स में जो स्पीड है और डायरेक्शन है चलती हुई मतलब मूव करती हुई बॉल की, वो चेंज कर जाती है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से। अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो रही है या उसका मोशन चेंज हो रही है या दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करा जाता है एज अ चेंज इन स्टेट ऑफ इट्स मोशन। The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. जो state होती है motion की उसको describe करा जाता है उसकी speed से और उस direction से जिसमें motion हो रहा है। जो state होती है rest की उसको consider करा जाता है zero speed, और एक object जो है वो rest में भी हो सकता है motion में भी हो सकता है, जो दोनों हैं वो उसकी state है motion की। Does it mean that the application of force would always result in change in state of motion? Iska answer hai no. Let us find out. It is common experience that many a time application of force does not result in change in state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Jo heavy box hoega wo nahi move karega tab bhi jabki tum अब सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो उस पर जितना कि तुम कर सकते हो। अगेन नो इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ बॉल। अगर तुम बॉल को भी पुश करने की कोशिश करोगे तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मेक अ ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। जो फोर्स होता है वो बना सकता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए रेस्ट से। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो रोक सकता है किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग। जो फोर्स है वो चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर वो चल रहा हो तो। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है मोशन की किसी ऑब्जेक्ट के। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो शेप चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स। जो फोर्स है वो कॉज कर सकते हैं इनमें से एक या ज़्यादा भी इफेक्ट्स। नाउ लेट्स डिस्कस सम टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स are the forces experienced by bodies when they are in physical contact with each other. Forces जो experience करे जाते हैं bodies से जब वो physical contact में होते हैं एक दूसरे के साथ। Contact force के examples muscular force और frictional force। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम मोर डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर वीडियो में, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मस्कुलर फोर्स, फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स।
मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो आता है हमारी मसल्स के एक्शन से, ये हमारी मसल्स भी हो सकती है और एनिमल्स की मसल्स भी हो सकती है। देन फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो फोर्स जो एक्ट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन से, और ये हमेशा एक्ट करते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट पे जो मूव कर रहे होते हैं। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्सेज एक्सपीरियंस बाई बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहे थे बॉडीज से जबकि वो नहीं होते कॉन्टैक्ट में एक दूसरे से, जैसे कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एग्जर्ट करता है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट एक्चुअली इज मस्कुलर फोर्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, जो फोर्स जो रिजल्ट करते हैं हमारी मसल्स के एक्शन की वजह से उसको कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। जैसे कि पुशिंग एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर रिक्वायर्स मस्कुलर फोर्स, पुश करना किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कि स्कूल बैग, टेबल, या लिफ्ट करना किसी बकेट को वाटर की, वो रिक्वायर करता है मस्कुलर फोर्स। देन जो मस्कुलर फोर्स होता है एनिमल्स का, उसको यूज करा जाता है कैरी करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जिससे आप इस फोटो में देख सकते हैं जो कैमल है उसने कैरी कर रखे हैं लोड्स अपने ऊपर, देन इधर हॉर्स ने कैरी कर रखे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल एक्चुअली इज। Force that always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion is called frictional friction. Friction वो होती है जो, मतलब जो force होता है जो हमेशा act करता है सारे moving object पे, सारे moving objects पे। वो तभी act करेगा जब जो objects हैं वो motion में होंगे, यानी कि move कर रहे होंगे। और जो वो इस फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है, इस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। Now let's discuss the first non-contact force, which is magnetic force. The force exerted by a magnet on another magnet or magnetic material is called magnetic force. ये वो force होते हैं जो exert करा जाता है एक magnet से दूसरे magnet पे या किसी magnetic material पे, उसको कहा जाता है magnetic force. Now let's discuss some of the properties of magnet. Magnet has two poles. Magnet के दो poles होते हैं। ये वो एंड्स होती है मैग्नेट की जहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। When the magnet is suspended freely, it comes to rest in north-south direction. जब हम मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली तो वो हमेशा रेस्ट में आता है नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में। मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील। मैग्नेट हर उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो बना होता है आयरन और स्टील से। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो पोल्स होते हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है एंड अगर हम इसको टू पार्ट्स में कट कर देते हैं तो ये साइड जो है वो दूसरा पोल बन जाएगी। ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक मैग्नेट में रखें हमारा नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट में रखें साउथ पोल। जैसे दिस इज आवर मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, हमने इनको कट कर दिया टू पीसेस में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इधर नॉर्थ हमारा अलग हो गया और साउथ हमारा अलग हो गया। जो मैग्नेट होएगा वो खुद डेवलप कर जाएगा और इधर हमारा एक नॉर्थ पोल बन जाएगा एंड ये ऐसे बन जाएंगे नॉर्थ साउथ एंड अनदर नॉर्थ साउथ। ये कभी भी सेपरेट नहीं करे जा सकते, कभी भी नहीं। अब
जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो रिपेल करेंगे ईच अदर को, मतलब एक दूसरे को, और जो लाइक पोल्स करेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसका ये मतलब है कि जो लाइक पोल होंगे मैग्नेट के, वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भेजना चाहेंगे, पर जो अनलाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। जो अट्रैक्शन और रिपल्शन इन दोनों के बीच में, वो भी एक फॉर्म है पुश और पुल की। अब जैसे ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ है, तो ये दोनों कभी भी एक साथ जुड़ नहीं सकते। ये उस साइड जाएगा और ये वाला उस साइड जाएगा, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। बट अगर यहाँ पे हमारे पास होता है साउथ, तो ये इस तरफ जाता इसके पास और ये भी इसके पास आता, एंड ये दोनों जुड़ जाते और ये बन जाता नॉर्थ साउथ इकट्ठे। और नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ ऐसे रिपेल करेंगे, एंड साउथ भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेट्स डिस्कस व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स होता है जो एक्सर्ट करा जाता है किसी चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन वेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दैट्स वाई इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट इट रिपेल्स इट इफ इट ऑल्सो इफ इट हैज ऑल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। मतलब हमारे पास एक स्ट्रॉ है, हमने इसको रब कर दिया एक शीट ऑफ पेपर से, तो ये दूसरी स्ट्रॉ, ये हमारी स्ट्रॉ है, ये इसकी तरफ खींची चली आएगी और ये इसकी तरफ, और ये रब नहीं हो रखी किसी स्ट्रॉ से और ये रब हो रखी है, तो ऐसा होएगा। बट अगर हमारे पास ऐसा है, ये स्ट्रॉ है दूसरी, ये भी रब है और ये वाली भी रब है, तो ये उस तरफ जाएगी और ये उस तरफ जाएगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आएंगी। बट जब ये नहीं रब्ड थी और ये भी नहीं रब्ड थी, तो हमने देखा था कि जो ये थी ये एक दूसरे के पास आ रही थी, दैट मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब हम ये ज़रूरी है कि इनमें से कोई एक हो तो वो अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन दोनों हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और कोई भी चार्ज ना हो तो कुछ नहीं होगा। Now let's discuss gravitational force. Every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. मतलब यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो बड़ा हो या चाहे वो छोटा हो, एक्सर्ट करते हैं फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Example, water begins to flow towards the ground as soon as we open the tap. Water in reverse flow downwards due to the force of gravity. And हम ये भी देखते हैं कि जो tree है, tree के ऊपर fruits लगे हुए हैं, जो fruit होएगा वो हमेशा नीचे के direction में fall करेगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, तो ये भी एक example है gravity का। Now let's discuss the difference between gravitation and gravity. जो ग्रेविटेशन होती है फोर्स होती है अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, और जो ग्रेविटी होती है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल होती है किसी बॉडी पे लाइंग ऑन या नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये तो एक दूसरे पे अट्रैक्ट करती है, जो अर्थ का सर्फेस होता है, जो अर्थ का सर्फेस होता है वो सारी चीज़ें अपने सर्फेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। Now let's discuss what pressure is. Pressure or P is defined as force per unit area. Pressure जो होता है वो define करा जाता है कि कितना force exert करा गया है कितने area में। मतलब इसको calculate करने के लिए हम force को divide करते हैं area से। अब pressure की
SI यूनिट होती है पास्कल या पी ए. देन पी इज इक्वल्स टू प्रेशर, एफ इज इक्वल्स टू फोर्स, इसकी यूनिट होएगी न्यूटन. ए इज इक्वल्स टू एरिया, इसकी यूनिट होएगी मीटर स्क्वायर. देन स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया. जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे. पहला फैक्टर फोर्सेस एक्टिंग, सेकंड फैक्टर एरिया ऑफ सरफेस. प्रेशर इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हम मतलब ऐसा है कि हम प्रेशर वो कर अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है लार्जर सरफेस एरिया पे, तो हमको उसी प्रेशर को डिवाइड करना है बड़े नंबर से, सॉरी फोर्स को डिवाइड करना है उसी बड़े नंबर से. जितना ज़्यादा एरिया है उतने बड़े नंबर से हमको प्रेशर फोर्स को डिवाइड करना है, इससे हमारा निकलेगा प्रेशर. जितना बड़ा नंबर होएगा उतना कम हमारा प्रेशर रहेगा. बट अगर एरिया हमारा कम है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा फोर्स को छोटे नंबर से, तो हमारा आंसर रहेगा बड़ा. तो जो प्रेशर होएगा वो बड़ा होएगा. एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर. A sharp knife has a very small surface area on its cutting edge so that high pressure can be exerted to cut the meat. जो sharp knife होता है उसका बहुत कम surface area होता है तो अपने उसके cutting edge पे, तो जो high pressure होता है वो exert करा जा सकता है meat को cut करते समय. जैसे ये हमारा knife है तो जो हमारे हाथ का प्रेशर होएगा वो फॉल करेगा छोटे सरफेस एरिया पे. तो जो जिस भी चीज़ को हमको कट करना है, सपोज़ इस चीज़ को हमको कट करना है, तो जो इसका प्रेशर होएगा वो ज़्यादा फॉल होएगा तो वो इजीली कट कर पाएगा चीज़ों को. नेल्स, नीडल्स एंड पिन्स हैव वेरी शार्प एड्स विद ends with very small surface areas. When a force is applied to the head of a nail, the pressure will drive its sharp end into the piece of wood easily. जो nails होते हैं, needles होते हैं और जो pins होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा sharp end होती है और बहुत ही ज़्यादा छोटा surface area होता है. तो जो force apply करा जाता है head of the nail पे, वो easily drive कर देता है उसकी sharp end को piece of wood में. The studs on a football boot have only a small area of contact with the ground. The pressure under the studs is high enough for them to sink into the ground, which gives them extra grip. Now let's discuss applications involving low pressure. Skis have a large area to reduce the pressure on the snow so that they do not sink in too far. जो skis होते हैं उनका large surface, skis ये हैं, इनका large surface area होता है reduce करने के लिए pressure snow पे, ताकि वो ज़्यादा दूर तक ना जाएं. A tractor moving on soft ground as wide tires should reduce the pressure on the ground so that they will not sink into the ground. A wide shoulder pad of a heavy bag will reduce the pressure exerted on the shoulder of a person carrying the bag. जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके वाइड वो होते हैं, स्ट्रैप्स होते हैं थिक क्लोथ के बने हुए, ताकि जो सारा लोड हो, फोर्स हो, भारीपन हो, वो फॉल करे लार्ज सरफेस एरिया पे. एंड अगर वो फॉल करेगा लार्ज सरफेस एरिया पे तो जिस भी इंसान ने उसको कैरी कर रखा होगा वो इजीली उनको कैरी कर पाएगा. लेट्स डिस्कस सम एक्टिविटीज. एक्टिविटी वन, टू शो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम. मेथड, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर. एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लो या एक प्लास्टिक की पाइप लो 25 सेंटीमीटर की हाइट की. ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन रबर शीट और अ रबर बैलून एंड स्ट्रेच इट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप. टेक मतलब लो एक पीस थिन रबर शीट का या फिर एक रबर बैलून का और उसको स्ट्रेच करो टाइटली एक एंड पे पाइप की. होल्ड द पाइप एट द मिडल, बीच से पाइप को पकड़ो और इसको वर्टिकल मतलब सीधी ऐसी पोजीशन में रखना है, सीधी पोजीशन में रखना है हमको उसको, और इसको बीच में से पकड़ना है. एंड ये हमारा बैलून है या रबर शीट जो भी आपको लगानी है. न
नाउ पोर सम वाटर इन द पाइप. अब हम उसमें पानी भरेंगे. हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रबर शीट है वो बल्ज आउट करेगी, और हम उसमें और पानी डालेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो रबर शीट है उसमें जो बल्ज आ रखा है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा. देन रिजल्ट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम. जो प्रेशर है जो एग्जर्ट करा जाता है वाटर पे बॉटम ऑफ द कंटेनर पे वो डिपेंड करता है कॉलम की हाइट से. देन इधर इसमें हमने अभी थोड़ा सा पानी डाला है तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बैलून या रबर शीट है उसमें थोड़ा कम बल जा रहे हैं, बट यहाँ पे जो पाइप है वो ऑलमोस्ट पूरी भरी हुई है तो जो बल्ब है बल्ज है वो यहाँ से आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रखा है. एक्टिविटी नंबर टू टू शो दैट अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इस एक्टिविटी में हमको ये दिखाना है कि जो लिक्विड है वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर कंटेनर के वॉल्स पे. मेथड, इससे पहले हम एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे. फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ऑफ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम. हम फिक्स कर देंगे एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब कुछ सेंटीमीटर लंबी इसके बॉटम पे, बॉटम के पास जैसे इधर देख सकते हैं बॉटम के पास से, और ये थोड़ी सी लंबी है. हमको ये मेक श्योर करना है कि जो वाटर पानी है वो लीक नहीं कर रहा उसके जॉइंट से, मतलब यहाँ से जो पानी है वो नहीं लीक करें. कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट. हम इसको कवर कर देंगे रबर शीट से, आप बैलून से भी कर सकते हैं. नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर. हम इसको आधा पानी से भर देंगे. हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रबर शीट है वो जो फिक्स करी गई है ग्लास ट्यूब से वो बल्ज आउट करेगी. ये शो करता है कि जो लिक्विड है वो एग्जर्ट करता है प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे. एक्टिविटी नंबर थ्री टू शो दैट लिक्विड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. हमको इस एक्टिविटी में ये दिखाना है कि जो लिक्विड्स हैं वो एग्जर्ट करते हैं इक्वल प्रेशर सेम डेप्थ पे. मेथड, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर. खाली प्लास्टिक की बॉटल लेंगे या कोई भी सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लेंगे. ड्रिल फोर होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल. हमको ड्रिल करने हैं चार होल्स, एक दो तीन और चौथा इसकी दूसरी साइड पर. देन हमको ये मेक श्योर करना है, मतलब हमको मेक श्योर करना है कि जो होल्स हैं वो सेम हाइट पे हो, मतलब ये वाला अगर 2 सेंटीमीटर की हाइट पर है तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर की हाइट पे होना चाहिए, तीसरा भी 2 सेंटीमीटर में होना चाहिए और चौथा भी 2 सेंटीमीटर में होना चाहिए बॉटम से. अब हम फिल कर देंगे बॉटल को पानी से. देन हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिफरेंट स्ट्रीम्स होंगी पानी की वो आएंगी बॉटल के जो होल्स से वो फॉल करेंगी सेम डिस्टेंस पे बॉटल से. अब जैसे ये इधर जा रही है, ये बीच में रख रही है 3 सेंटीमीटर का गैप, तो ये वाली भी 3 सेंटीमीटर रखेगी, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर रखेगी और ये वाली भी 3 सेंटीमीटर रखेगी. अभी हमको शो करते हैं कि जो लिक्विड है वो एग्जर्ट करते हैं इक्वल प्रेशर सेम डेप्थ पे. लेट्स डिस्कस व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक्सटेंड करता है बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स पे सर्फेस ऑफ द अर्थ के ऊपर. जो प्रेशर ये एयर एक्सर्ट करती है उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वेट होता है उस एरिया का जो कि एक कॉलम में होते हैं किसी यूनिट एरिया के. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ बैरोमीटर. जो ये बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करा जाता है मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे जो ऑल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होता रहेगा. देन वी गेट एयर एक व्हेन वी ट्रैवल बाय एयरप्लेन. हमको दर्द होती है जब हम ट्रैवल करते हैं एयरप्लेन से. When the airplane lands, air pressure increases. जैसे जैसे जो एयरप्लेन होता है वो लैंड करता है वैसे जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है. और जो इंक्रीज कर देता है प्रेशर हमारे ईयर ड्रम पे, जिस वजह से हमको ईयर पेन होती है.
अ रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस स्टिक्स टू इट, जो रबर सकर होएगा जिसको प्रेस करा जाएगा किसी सरफेस से उससे स्टिक हो जाए, मतलब चिपक जाएगा। जब हम सकर को प्रेस करते हैं तो जो उसके बीच की हवा होती है उस सरफेस की और सकर की, वो बाहर निकल जाती है, और बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उस पर एक्ट कर रहा होता है, इस वजह से वो चिपक जाता है सरफेस से। तो जैसे ही हमारा रबर सकर है, हमने इसको प्रेस करा उससे किसी भी सरफेस से प्रेस करा, तो इसकी जो सारी हवा है वो बाहर चली गई, और अब जो बाहर का एयर प्रेशर है उसने उसको उसी जगह पे होल्ड करे रखा, दैट्स वाई वो अच्छे से स्टिक हो गया उस सरफेस से। व्हेन ड्रिंकिंग विद अ स्ट्रॉ वन हैज टू सक द स्ट्रॉ, दिस कॉजेस द प्रेशर इन द स्ट्रॉ टू डिक्रीज, द एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर विच इज ग्रेटर विल देन एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन द ग्लास कॉजिंग इट टू राइज थ्रू द स्ट्रॉ। जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो हमको सक करना पड़ता है स्ट्रॉ को, ये कॉज करता है कि जो प्रेशर है स्ट्रॉ के अंदर का वो डिक्रीज हो जाता है, और जो बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो ज़्यादा होता है वो एक्ट करता है सरफेस ऑफ द वाटर पे ग्लास में, जो कॉज करता है राइज थ्रू द स्ट्रॉ। प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर ऑन हेड, द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमोसफेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg, 2250 N, यानी कि न्यूटन। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट प्रेशर इन साइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेज द प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड। जो फोर्स है एयर का कॉलम ऑफ हाइट में एटमोसफेयर की और उसका एरिया है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का, वो नियरली इक्वल है ग्रेविटी की फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 225 kg का। ये रीज़न है, मतलब जो रीज़न है जिस वजह से हम क्रश्ड नहीं हुए हैं इस ग्रेविटी के फोर्स से, वो है कि जो प्रेशर है जो हमारी बॉडी के अंदर है वो इक्वल है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और बैलेंस कर देता है प्रेशर जो बाहर से आ रहा है। थैंक यू, लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।